नमस्कार, gamasan.com में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णपाल राठौर, हमारे साथ मनोज जी। आपसे सर पहला सवाल किसानी को लेकर ये है कि 10 दिन में मनीष भाई जी पूरा कर पाएंगे वादा? बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस ने बिना कुछ कहे, बिना वादा किए 72,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया था। हम तो यहाँ तो वचन पत्र वचन दिया है और कांग्रेस वचन अपना निभाएगी, ये बात आपको बता देते हैं। 10 दिन में उसकी क्या प्रक्रिया हो, कर्ज माफी की घोषणा होगी, उसकी जो भी प्रक्रिया होगी, उसका जो समय लगता है 2-3 महीने उसमें होगी, लेकिन कर्ज माफी की घोषणा 10 दिन के अंदर होगी, निश्चित रूप से होगी। इतना उत्साह, इतना जोश आप लोगों में देखने को मिल रहा है, कितने सालों तक रह पाएगा? ये तो उत्साह और जोश, कांग्रेस 125 साल से ऊपर की पार्टी है, यहाँ पर दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इतने सालों से जीवित है। 135-140 साल अगर हो गए 1885 से है, तो आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में और मजबूत बनकर उभरेगी और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और बढ़ेगा, घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में चौहान ने जो योजनाएं निकाली थी, क्या उन योजनाओं पर जनहित की जो भी योजना हो वो शुरुआत कांग्रेस ने ही की है, उसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो जनहित की कोई योजना को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। जनहित की सभी योजनाएं चलेगी, आम जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी करोड़ों का फंड दे दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान में, आप लोग बढ़ावा देंगे? निश्चित रूप से, स्वच्छता तो प्रथम, स्वच्छता अभियान निर्मल भारत ही जो है कांग्रेस ने योजनाएं चालू की थी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिसमें कई तरह की योजनाएं आई थी, उसमें एक ये योजना भी थी और उसको निश्चित रूप से आगे भी बढ़ाया। क्या कमी रही सर बीजेपी में जो हार गई? तानाशाही आ गई थी 3 बार में, जब उनकी सरकार बन गई तो किसी भी आम जनता पर ना ध्यान दिया गया, ना कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया गया और कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बता दें कि वादे वादों का क्या, ये तो नहीं बताएगा, लेकिन आप मेरे साथ देखते रहिए gamasan.com, कैमरामैन मनीष।